तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट जावा, वो भी पोजावा लॉन्चर के अंदर। बहुत टाइम से हेलो लॉन्चर में चल रहा था, लेकिन उसका प्रॉब्लम हो गया, आपको तो पता ही है। वो बहुत लोग कहते हैं चाइनीज़ ऐप है, एक्चुअली में वो चाइनीज़ ऐप है, तो इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। तो अभी ना मैंने पोजावा लॉन्चर में डाउनलोड किया था, लेकिन है ना वो बहुत ही अजीब ग्राफिक था। मैंने है ना 1.7 को डाउनलोड किया था, 1.17 समझ के, मतलब 1.7 और 17 में कितना फ़र्क है पता है, 10 वर्जन का फ़र्क है। और मेरे को उसके ग्राफिक इतने कचड़े मिले, मैं खुद हैरान हो गया कि ये क्या गड़बड़ है और इतना क्रैश क्यों हो रहा है। तो अभी बहुत लोगों ने है ना मतलब मजाक उड़ा दिया मेरा कि आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड करके कौन सा बता रहे हो। तो सच बोलूँ ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था वो कौन सा वर्जन था। मेरे को लगा मैंने 1.17 डाउनलोड किया, लेकिन एक्चुअली में 1.7 था, मतलब काफ़ी साल पहले का था, 2015 या समथिंग का था। चलो कोई नहीं, अभी है ना हम अपनी सर्वाइवल सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। हेलो लॉन्चर वाली भी कंटिन्यू होती, लेकिन वो मतलब चाइनीज़ ऐप निकल गया ना, किसी किसी को भी पता नहीं था कि स्टार्टिंग में वो चाइनीज़ ऐप है, बाद में पता चला तो उसको छोड़ा गया। और देख सकते हो मैंने काफ़ी तगड़ा सीड यहाँ पर ले लिया है, ताकि ना अच्छे से कर सकूँ। मेरे को ना फ्लैट वर्ल्ड ही चाहिए, क्योंकि फ्लैट वर्ल्ड में बनाना सही रहता है। मैं तो आयरन फार्म और बहुत ही तगड़े चीज़ें बनाने वाला था, क्योंकि अच्छा खासा प्रोग्रेस कर दिया था हेलो लॉन्चर में वो। लेकिन है ना मतलब क्या ही बताऊँ, उसको यार छोड़ दो यार, बार बार याद करके है ना पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि पूरा मेहनत वेस्ट हो गया। यहाँ पे इतने सारे विलेजर लेकिन काम धंधा नहीं कर रहे, काम करते। पहले मैं इसको कलेक्ट करता हूँ, ट्रेड भी कर लूँगा और खाना भी बन ही जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे एडवांसमेंट आ जा रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, मुझे देखने दो। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट के लाया था ना, तो बेसिक्स टूल बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनेगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होता नहीं। लकड़ी वकड़ी भी बना रहे थे, इसमें ना क्राफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है पोजावा लॉन्चर में। इसमें ना मेरे को बार बार क्लिक करना पड़ता है, मतलब अपने इन्वेंट्री में भी लेने के लिए ऑटोमेटिक आता नहीं है, बार मेरे को क्राउच होना पड़ता है। और यहाँ पे SEC बटन है ना, वो सारे के सारे एक ही साइड है यार, वही मतलब तकलीफ देता है। तो यहाँ पर मैंने पिकेक्स बना लिया। तो अभी एक काम करते, थोड़ा बहुत मैं ना यहाँ से स्टोन माइन कर लेता हूँ। अभी इसकी सीरीज भी कंटिन्यू रखने का ट्राई करूँगा, अगर ये क्रैश नहीं करता तो, क्योंकि अगर क्रैश कर जाएगा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो तकलीफ होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। और आपको पता है जावा एडिशन इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि उसमें ना ऐसे एडवांसमेंट आते हैं, मतलब जिसको देख के मज़ा आ जाता है, एडवांसमेंट के लिए ही तो पॉपुलर है। तो यहाँ पे है ना मैंने बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर, सॉरी स्टोन नहीं, कबर स्टोन कलेक्ट कर लिया, से नाम ही गड़बड़ करते रहता हूँ मैं। तो अभी है ना यहाँ पे अपने बेसिक चीज़ें बनाने, पहले एक काम करते फर्नेस बनाते, ताकि है ना मैं कोल वोल बना सकूँ, चारकोल वो सब। तो यहाँ पे एक तकलीफ है, बनाने के लिए भी है ना मुझे यहाँ पे SEC बटन को क्लिक करना पड़ता है, तभी बनता है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें कंट्रोलर कैसे लगाऊँ, ट्राई तो किया था बट वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी ना यहाँ पे मैं दूसरे चीज़ें बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा व्हीट कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़े से ब्रेड बना लेता हूँ, और चल के देखता हूँ कोई बंदा मेरे से खरीद रहा हो तो मुझे एमरल्ड मिल जाएंगे। एमरल्ड मिल जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें दूसरे मतलब खुद को अपडेट कर सकता हूँ, सच बोलो तो ये जो चीज़ नई सी है वही दे रहे होते। तो एक काम कर, एक मिनट, यहाँ पे ये विलेज का अंदर बहुत ही अजीब घर है, तो ज़रा चेक करते क्या है। तो घर तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ नया घर है, तो अजीब अजीब घर आ रहे हैं, लेकिन किसमें कुछ भी नहीं है। और ये सारे के सारे विलेजर नल्ले क्यों है, मतलब देख सकते हो मोस्ट ऑफ विलेजर है ना ऐसे ही फालतू में बैठे हैं, और ये मैं झुक के क्यों चल रहा हूँ यार। ओके चलो काफ़ी सही है, और इसका है ना ग्राफिक्स मुझे सही लगा, लास्ट वाले में दिमाग ख़राब हो गया था, इतना ख़राब ग्राफिक्स था, देख के लग रहा था माइनक्राफ्ट ने कुछ और गेम खोल दिया मैंने, नकली माइनक्राफ्ट लग रहा था। और नाइट भी हो रहा है यहाँ पे, और ओके फाइनली मेरे को यहाँ पे 6 एमरल्ड मिल चुके हैं, अच्छी बात है। तो ये दरवाज़ा खोल के क्यों सो रहा है यार, मरने का तेरे को, जावा में इतने मोब आते कि तू बच नहीं पाएगा। और मैं यहाँ पे सो, अरे यार नाइट नहीं हुआ, हो जाए यार। ओके देख सकते सो गए, और एडवांसमेंट भी दिख रहा है यार मुझे ना, एडवांसमेंट देख के पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी ना यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, और ना इसको मैं टेम्प्रेरी घर बना लेता हूँ। और यहाँ से ना मैं थोड़े बहुत लकड़ी वकड़ी लेता हूँ, और क्या बनाना है मेरे को देखने दो। मैं यहाँ से ना एक बंदे के लिए बनाता हूँ, ताकि मैं एक बंदे को ना ये दे सकूँ, क्या नाम है इसका, कंपोजर नाम है। ओके कंपोजर से उसको फार्मर बना के थोड़ा बहुत एमरल निकाल सकूँ, 6 एमरल से कुछ होता नहीं है। ट्रेडिंग सिस्टम भी बनाना ही पड़ेगा, जावा में ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ईजी होता है, और बहुत ही ईजिली आप एमरल मतलब कलेक्ट कर सकते हो, सस्ते भी होते हैं और काफ़ी ईजिली होता है सच बोलूँ तो। ये बंदा, अरे यार ये क्या बेवकूफ़ है, जो नई चाहिए वही दे रहे हैं। तो इसको तोड़ के वापस से बना दो, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जल्दी बन जाए यार। तो निकल ले अभी, देखते ओके बन जाए। अबे बनने नमूने क्या कर रहा है, ओके एक गलती से शॉट मार दे, यहाँ पे आयरन गोलम मत आ जाना, जावा में तो पीछे पड़ जाता है, बट आई डोंट थिंक कि एक शॉट में आ पाएगा। तो कोई नमूना बनाए, चल दे दे। ओके यार फिर से नहीं दिया, कितना टाइम लेगा यार ये बेवकूफ़, मुझे गुस्सा दिला रहा है। तो फाइनली मैंने एक और बनाया, और फाइनली ओके महंगा दे रहा है, इसको मैंने हिट मारा ना तो 22 दे ले रहा है भाई, बहुत ज़्यादा लूटते हैं यार हमको। चलो कोई नहीं, जितना भी है उससे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत मिल चुके हैं, और मुझे और चाहिए एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी बेकार में पड़े ना सबसे ना ट्रेड करने वाला हूँ। तो कितने, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, खाली अनलॉक करना है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। और नेक्स्ट लेवल पे वो पम्पकिन पाए देता है ना, आई गेस, मैं भूल गया यार, देखने दो। तो चल दे दे भाई। ओके एक मिनट, मुझे बाहर आना पड़ेगा तभी ये लोड हो पाएगा। चल भाई जल्दी लोड कर। और अभी क्या दे रहा है, ओके पम्पकिन पाए कर यार, फिर से बहुत महंगा दे रहा है, मुझे वेट करना पड़ेगा सस्ता देने का, मैंने गलती से हिट मारा यार।
लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब सख्त होते हैं, अगर एक हिट मारा तो महंगा करते हैं। तो अभी है ना मेरा ये जो घर है ना, तो इसके अंदर मैं अपने चीज़ें रख देता हूँ, लाइक एमराल्ड ये सब इसमें रख देता हूँ, ब्रेड ब्रेड ले लेता हूँ, रख के कोई फ़ायदा है नहीं। अरे आजा यार, यहाँ पे PRI को मतलब यहाँ पे सारे के सारे बटन लेफ्ट साइड है ना, तो राइट साइड से खाली जंप कर सकते हो और घूम सकते हो, बस इतना ही होता है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तो मैंने ये एपिसोड बनाया ताकि आपको बता सकूँ कि अपनी पोजाव लॉन्चर की सीरीज़ चालू हो रही है। मुझे पता है बहुत सारी सीरीज़ बनाए, बट क्या करे, वो हेलो लॉन्चर का गड़बड़ हो गया। और ये वाले चैनल पर मैं और भी डिफरेंट गेम ट्राई करने वाला हूँ, तो आप लोग सजेस्ट जरूर कर देना।